दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, खास करके युवाओं के लिए। राज्य सरकार द्वारा 4,000 रुपए प्रत्येक युवाओं को दिए जा रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, हर महीने बैंक खाते में आपके 4,000 रुपए डाले जा रहे हैं अगर आप बेरोजगार हैं तो, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी भत्ते के रूप में आप सभी को 4,000 रुपए दिए जाएंगे प्रति माह। और इसके लिए आपको कहाँ आवेदन करना है, किस प्रकार आपको आवेदन करना होगा, कौन कौन इस 4,000 रुपए के लिए पात्र होगा, उन सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। और अगर आप भी बेरोजगार युवा हैं, अगर आप भी 4,000 रुपए का लाभ लेना चाहते हैं हर महीने, तो आपको करना क्या होगा, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देखनी होगी, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। इसी प्रकार सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और उनसे जुड़ी हुई खबर सबसे पहले पाने के लिए सबसे पहले तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों, आपके दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले कि ये 4,000 रुपए का बेरोजगारी जो भत्ता है आपके दोस्तों को भी मिले, और वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलिए फटाफट से सीधे खबर की ओर चलते हैं। आप देखते हैं यहां पर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गहलोत सरकार ने हजारों युवाओं को लेकर कर दी है बड़ी घोषणा। जी हां, युवाओं के लिए बहुत ही बड़ी घोषणा है, जिसमें आप सभी युवा इस 4,000 रुपए का जो लाभ है पा सकते हैं। राज्य सरकार 4,000 रुपए मासिक वेतन 40,000 युवाओं को सरकारी योजनाओं के प्रचार में लगाएगी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार ने यह बड़ी घोषणा कर दी है। और आपको बता दें, योजना में उन्हीं पंजीकृत युवाओं का चयन किया जाएगा जो राज्य सरकार की ओर से हाल ही में शुरू की गई युवा संबल योजना में शामिल है। युवा संबल योजना में पंजीकृत युवा को 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया गया है। लेकिन जिन पंजीकृत युवाओं को चयन इस योजना में किया जाएगा, उन्हें 1,000 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 4,000 रुपए मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। यह नियुक्ति 2 साल के लिए होगी। पुलिस कानून के मुताबिक ये युवा ग्राम रक्षक की भूमिका निभाएंगे, स्वयं सेवक के रूप में करेंगे कार्य। सरकार की ओर से कहा गया है कि ग्राम स्तर पर नियुक्ति किए जाने वाले युवा समन्वयक जनता और सहकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सेतु बनकर स्वयं सेवक के रूप में करेंगे, और इनका मुख्य कार्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में ग्रामीणों की समस्याएं प्रचार प्रसार और प्रवेक्षण का होगा। पुलिस एक्ट में उल्लेखित ग्राम रक्षक के सूचीबद्ध कार्य भी करेंगे। यह निर्णय यह एक दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से गृह विभाग की बैठक में किया गया। इसके अलावा पुलिस भर्ती और पदोन्नति को लेकर भी ये निर्णय किए गए। तो दोस्तों, अगर आप बेरोजगार छात्र या छात्राएं हैं तो आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको सबसे पहले युवा संबल योजना में शामिल होना पड़ेगा। और युवा संबल योजना में शामिल होने के लिए आपको नजदीकी आपके रोजगार कार्यालय में जाना होगा, या फिर आप आपके नजदीकी ग्राम पंचायत या कलेक्ट्री में जाकर के आप वहां पर आपके जो फॉर्म मिल रहे होंगे वहां पर उस फॉर्म को भर के जो भी आपके इंपॉर्टेंट दस्तावेज है वो आपको वहां पर जमा कराने होंगे। दस्तावेजों में जैसे कि आपके आधार कार्ड हो जाएगा, आपका एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, और आपका मूल निवास, आपका जाति प्रमाण पत्र हो जाएगा, आपकी जो मार्कशीट है वो, और आपकी 2 या 4 आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको वहां पर देनी होगी, और फॉर्म को भर करके आपके सिग्नेचर करके आपको वहां पर फॉर्म को जमा कराना होगा। और कुछ ही दिनों में आपका पंजीकरण हो जाएगा, उसके बाद में आपको ये 4,000 रुपए का जो लाभ है वो आपको मिलने लगेगा। साथ ही साथ आपको सरकारी योजनाओं से जुड़ी हुई जो नौकरी आपको सरकार दे रही है 2 साल के लिए, उस योजना का लाभ भी आपको नौकरी के माध्यम से मिल जाएगा। और आप सभी बेरोजगार छात्र छात्राओं से निवेदन है, अगर आपको इस योजना का लाभ लेने में, बेरोजगारी भत्ता का लाभ लेने में आपको कोई भी परेशानी आ रही है, समस्या आ रही है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पर टाइप कर सकते हैं आपके जो भी सवाल है, हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार सरकारी योजनाओं का लाभ आपको मिलता रहे, तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा करके, और घंटी का बेल आइकन दबाना है, और दोस्तों में साथ ही साथ शेयर भी करना है इस वीडियो को, और वीडियो को लाइक भी करना है। जय हिंद, जय भारत।